यहाँ दीवार पे बैठ के क्या कर रहे हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हम वही कर रहे हैं जो आप करने आए, ऐसा लगता है। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब हो रहा है कि पिंकी जी यहाँ दीवार फान के अंदर प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में जाके उनका क्वेश्चन पेपर चोरी करने वाले थे? जी। दरअसल बात तो सही है, पिंकी जी करने वाले तो वही थे। हाँ तो दरोगा साहब, हम क्या कह रहे हैं कि साथ में मिलके करते हैं ना। आप हमारे बारे में मत बताइएगा और हम आपके बारे में नहीं बताएंगे। आइए। एलआईसी जी, आप वहाँ क्यों देख रही हैं? हम यहाँ पर हैं। मैं यूं ही किसी से भी नजरें मिला के बात नहीं करती। किससे मिलना है? इलायची जी, हम आपसे ही मिलने आए ना, जाहिर सी बात है, आपके कमरे में। ये वक्त मिलने का नहीं, सोने का है। आप इलायची जी, हमारी बात तो सुनिए। वो दरअसल हम बहुत जरूरी काम से आए थे। क्या काम है? आप ये लीजिए, ये वो प्रश्न पत्र है जो एग्जाम में आने वाले। और इसका मैं क्या करूंगी? आप इन प्रश्नों की तैयारी सेठ जी को करवा दीजिए, सेठ जी पास हो जाएंगे। धन्यवाद। अरे भाई लाइसी जी, आप ये क्या कर दिया आपने? ले जाइए इसे यहां से, क्योंकि मेरे पापा चीटिंग से पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो मेरे पापा हैं। तो इलायची जी, इस हिसाब से तो उन्हें चीटिंग से पास होना चाहिए ना? What do you mean by इस हिसाब से उन्हें चीटिंग से पास होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि मैं चीटिंग करती हूँ? अरे यार, वो तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि मैं भर्रे लेके जाती हूँ। अगर सच में भर्रे लेके जाती तो पास नहीं हो जाती अभी तक। लेकिन इलायची जी, सेठ जी तो जीजा जी, पापा अपनी मेहनत से पास होंगे बस। सेठ जी, सेठ जी, पापा क्या हो गया? सेठ जी, आप रो क्यों रहे? अब समझ में आया, पापा अपनी बेटी की ईमानदारी और खुददारी देख के इमोशनल हो गए हैं ना पापा? ना, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि तूने वो क्वेश्चन पेपर क्यों फाड़ दिया। अरे मैं उसी से तैयारी कर लेता, दिमाग कमाने की जरूरत ना पड़ती ना। अरे हाँ करूँ जल्दी, आ जाना है मुझे, देर हो रही है एग्जाम के लिए, है ना? अरे आ रही हूँ ना इलायची के पापा, क्यों चीची आ रहे हो? ये नाटक करने की क्या जरूरत है, है? मैं कुछ जंग लड़ने जा रहा हूँ। इलायची के पापा, ये परीक्षा है ना, तुम्हारे लिए किसी जंग से कम ना है। अब वैसे भी सेठ जी, आपकी टीम में इलायची जी जैसी सेनापति है, आप ये जंग पक्का फतेह करेंगे। देखो इलायची के पापा, तुम्हें ना हर हाल में ये परीक्षा पास करनी है। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे ना, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। हाँ। अरे सबसे पहले तो जो है ले लूं सेल्फी। सबसे पहले तो तेरा भाई जो है ले लूं सेल्फी। सबसे पहले जो है वो ले लूं सेल्फी। सबसे पहले तो तेरा भाई मजाक उड़ा रहा है। और जीजा, मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगा भैया? तो मैं तो तुम्हें मोटिवेट करता हूँ भैया। बहुत मोटिवेशनल गुरु हो रखा है। सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट कर, ये जो उठाई गिरे का काम करता फिरता है, बात कर रहा है बेकार की। पापा, कम से कम एग्जाम के दिन तो अपना मूड मत खराब कीजिए, मेरे किए पैर पे पानी फेर देंगे आप। अरे यार मम्मी, कोई और टोटका टंबर बचाओ तो वो भी कर लो। हाँ इलायची, दो तीन टोटके और बाकी है। लेट हो गया है, चलो अब। चल चल चल। अब इलायची जी, बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करिएगा कि आप भी इस बार पास हो जाएं। मेरा तो पता नहीं, लेकिन पापा जरूर पास हो जाएंगे। ये भी बढ़िया है। क्यों ना होगी पास, तू तुझे भी पास होना पड़ेगा, समझी? हाँ ठीक है ना, एग्जाम दे दूं तभी तो पास होंगी। चले इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सुनीता जी, ऑल द बेस्ट, इस बार ना खूब अच्छे से परीक्षा देना, मतलब एकदम पास होना, फर्स्ट डिवीजन लाना। हाँ
पिंटू भाभी, अगर आपकी दुआ हो ना तो पक्का ही पास हो जाऊंगी। अब चलें क्या? बैग उठाइए। चलो जी, आज मैं आपका बैग नहीं पकड़ूंगी, रोज आप मेरे को आफ्टर छुट्टी पर पकड़ा। अरे तो मत पकड़ना, कौन सा मरे जा रहा हूँ, मेरी टांगें टूट गई हैं। जब मैं बैग ना उठा पाऊंगा, बात कर रही है बेकार की सेल्फी, बता रहा हूँ तू चुपचाप आकर। कितना पिपी आता है ये आदमी है। Good morning, very good morning. Please sit down. Thank you, sir. Welcome. एक पेपर है। अरे हाँ, थैंक यू। पास कीजिए, आंसर शीट पीछे से पास कीजिए। लेसन स्टूडेंट्स, अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो एक एक को रेस्टिकेट कर दूंगा। नहीं नहीं सर, हम तो बहुत ईमानदार हैं सर। अच्छा, खड़े हो जाओ। सर क्या कर रहे हो, गुदगुदी हो रही है? शट अप, तलाशी दे रहा हूं मैं। कुछ लगा हाथ? ऐसा है बेटा ललित, कौवा उस वक्त ज्यादा फड़फड़ाता है जब उसके बगल में बिरयानी हो। तुम कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे थे, समझे कौवा बिरयानी। अब चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह एग्जाम दो। Sit down. इलायची, अगर आपके पास कोई कागज पत्थर हो तो चुपचाप मुझे दे दो। पहली बात तो सर कि मैं चीटिंग करती नहीं हूँ, अगर चीटिंग कर रही होती तो कब का पास हो चुकी होती, सो प्लीज। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पास होने की इच्छा जागृत हो गई हो। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो मेरे पापा ना वो पास हो जाएं यार। अरे कैसे पास हो जाऊंगा, कितना कठिन पेपर आया, बात कर रही तू बेकार की। अच्छा, तो इस कठिन पेपर को आसान बनाने के लिए आपने कुछ मसाला तो नहीं छुपा रखा है? नहीं नहीं सर, मैं कोई मसाला नहीं छुपा के लाया हूं। खामोश, स्टैंड अप। हाँ? मुझे आपकी तलाशी लेनी है, खड़े हो जाओ। यहाँ पे कुछ नहीं है। अरे सर कहाँ डाले, कहाँ जेब फटी हुई है सर। Shut up! मेरे हाथ कुछ लगा है। आखिर चोरी पकड़ी गई। डायरी में आंसर लिख के लाए हो, गुप्ता जी के 10,000 बाकी और श्रीवास्तव जी के 20। ओ ओ, कोड वर्ड में आंसर लिख के लाए हो आप। मैंने सर क्या है कि ये जो है मेरी हिसाब किताब की डायरी है दुकान की। तो फिर इसे दुकान पर ही रखा थे, यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें पता नहीं मैं लूट लूंगा। मेरा मतलब है कि एग्जाम के बाद ये डायरी मुझसे ले जाओ। चलो पेपर लिखना शुरू करो। चुपचाप पेपर लिखो। फोकस। मंगी जी। सर बैठिए जी, मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता सर। बैठिए बैठिए।
जी सर, मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता। साहब जी इजाजत है? यहाँ कोई कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा है, जो इजाजत मांग रहे हो? टेस्ट शुरू किया जाए। तो मिस्टर पिंकी त्रिपाठी, आज मैं आपसे सातवीं कक्षा के क्वेश्चन पूछूंगा। मंगीलाल ने तो कहा था ग्यारहवीं कक्षा के सवाल पूछेगा, अब सातवीं कक्षा का जवाब पिंकी जी कहाँ से लाएंगे? तो सवाल ये है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो दो और दो चार, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है सर इन्होंने। आंसर है पांच टीटर। गलत जवाब। नहीं मंगीलाल, गलत कैसे हो सकता है, यही सवाल का जवाब पांच टीटर ही होगा। देखो अभी एक मिनट पिंकी जी समझाते, देखिए तीतर के दो आगे तीतर और दो पीछे तीतर, तो कितने हो गए थे? देखो दो और दो हो गए चार, और ये मिला के पांच, तीतर हो गए, पांच होगा आंसर। करेक्ट आंसर इज फाइव सर, पांच। जी नहीं साहब जी, तीन तीतर। तीन कैसे? नहीं 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 नहीं, मैं समझाता हूँ सर। ओके मान लो बड़े साहब एक तीतर है। सॉरी साहब जी, कंटिन्यू। जी सर, तो साहब जी मैं ये कह रही था कि बड़े साहब एक तीतर, तू मतलब आप और मैं दो तीतर। ओके तो आइए मेरे साथ। ओके आइए। कहाँ? यहाँ आइए, इधर आइए। ओके अब हम दोनों साहब के ठीक पीछे खड़े हो जाते हैं। पीछे खड़े हो गए, गुड। अब साहब एक तीतर, आप और मैं दो तीतर, राइट? हाँ। एनी कंफ्यूजन? नो। करेक्ट, नाउ गो अहेड। किधर? आइए मेरे साथ खड़े हो जाइए। हो गया। अब हम साहब के ठीक आगे खड़े हैं। हाँ। तो साहब एक तीतर और हम दो तीतर। ओ ओके, मतलब पिंकी जी के दिमाग में आया नहीं था, पिंकी जी ने सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। अरे तुम सोचोगे कैसे इंस्पेक्टर पिंकी, जो एक नंबर के तुम गधे जो। मैं इसी वक्त आपको इस नौकरी से। नहीं 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 नहीं, नहीं कमिश्नर साहब, पिंकी जी हाथ जोड़ रहे हैं। देखिए बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ, पिंकी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। कमिश्नर साहब पिंकी जी कसम खाते अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करेंगे। और आपको बताऊं कमिश्नर साहब, एक साल, सिर्फ एक साल, एक साल के अंदर अंदर पिंकी जी ये ग्यारहवीं का टेस्ट आपको पास करके दिखाएंगे। जब बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। बिल भरा था ना? अरे भरा था, ऐसा थोड़ा ही मैं रखूंगा ऐसे। तू भी चलो, चल ले आए। अच्छा डंकी मामा, आप ये जूतों की मालों के साथ क्या कर रहे हो? देखो भैया, ऐसा है कि अगर दीदा पास हो गया तो उसे खिलाई जाएगी मिठाई और उसके गले में पड़ेगा फूलों का हार। क्लियर से बात है, कट टू कट। मामा जी इसका मतलब ये है कि अगर सेठ जी फेल हो गए तो उन्हें करेले का जूस पीना पड़ेगा और साथ में जूते और चप्पल की माला उनके गले में पड़ेगी। अरे यार पंचम, तू भी कमाल करता है यार, बाहर एक गधा भी खड़ा है, जीजा को उस पे बिठाया जाएगा, चांद चौक पे घुमाया जाएगा और बच्चे मारेंगे पीछे से गुम्मा। बे ओए चटंगी, बकवास बंद कर ले अपनी, वैसे ही आता टेंशन हो रखी है, बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा, तुम पास तो हो जाओगे ना? मैं ज्योतिषी हो रखा हूँ, मुझे क्या मालूम, इलायची को पता होगा। अरे अरे अपना पेपर आपने खुद लिखा है ना, मैंने थोड़ी लिखा है, तो आपको बताना चाहिए था कि पेपर कैसा गया है। मुझे ना मालूम, मैंने तो घबराहट में दे दिया बस। आंटी जी आप इतनी चिंता ना करो, क्या है कि हम जानते हैं, हमने परीक्षाएं दी हैं, तो हम बता रहे हैं कि सेठ जी खींचतान के पास हो जाएंगे, जरूर पास हो जाएंगे, भले थर्ड क्लास पास हो। मुझे तो ना बहुत ज्यादा ही टेंशन हो रखी है बाय गॉड। अरे अब आपको कौन सी टेंशन हो रखी? मेरा मतलब मैं कह रही थी कि
आप क्यों टेंशन ले रही हो? हमारी दुआएं आपके साथ है, आप भी पास हो जाओगी। उसी बात की तो टेंशन हो रखी है। क्या लायता फैला रहा तू ये? अरे सेठ जी, अरे तुमने कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। मतलब मैंने सपने में ना सोचा था तुम इतना बड़ा कारनामा करोगे। अबे क्या कारनामा कर दिया मैंने? अरे ये देखो, ये मैं क्या कह रहा हूँ, फोटो छपी है तुम्हारी अखबार में। ओए क्या बात कर रहा है? हाँ? मेरे तो भाग ही फूट गए, इन्होंने अपना काला इतिहास फिर से दोहरा दिया। मम्मी अब आपको रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि पापा पास हो गए। टॉप नंबर पे। अरे यार एक मिनट, इलायची कैसी बातें कर रही है? अरे गलती से छप गया होगा, फेल हो जाएगा आदमी, कैसी बातें कर रही है तू? अरे कोई गलती से नहीं छपा, बिल्कुल सही छपा है ये। पापा मुबारक हो। इलायची बेटा, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। इलो, जरा हमारा भी रिजल्ट चेक कर ले प्लीज। हाँ देख देख, चेक कर। आ क्या हुआ इलायची जी, क्या हुआ? आप फिर से फेल हो गए क्या? नहीं, मैं और सुन्नू पास हो गए। क्या? क्या? इलायची, ये तो खुशी की बात है। अरे आंटी जी, ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। हाँ। सेठ जी और इलायची जी दोनों मतलब पास हो गए, पार्टी बनती है आंटी जी। हाँ। पूड़ी छोले सब बनाइए। हाँ, हाँ, हाँ। अरे वाह। एक बार पार्टी तो होगी, लेकिन उससे पहले मुझे दो हिसाब करने हैं। पहला तो इससे छटंकी से और दूसरा छोटे से। छटंकी? हाँ बोलो भाई, क्या बात है? तू सबसे पहले बेटा ये जूते की माला अपने गले में डाल ले, उसके बाद करेले का जूस पी ले, और बाहर जो गधा खड़ा है ना उस पर बैठ कर तू पूरा चांदनी चौक घूम। और छोटे, तू अपने गंजे होने का इंतजाम कर ले अब बस। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे भाग जा, बात कर रहे हैं बेकार की। सेल्फी, अब सेल्फी तो ले ले। यार इलू, मुझे ना बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है बैग और इलू अंकल जी के चक्कर में अब हम 11th पास हो चुके हैं। हाँ यार, मतलब 11वीं क्लास से ना अटैचमेंट हो गई थी अलग वाली। फिर वो सब तो ठीक है, अब तेरे मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा दोनों मानने नहीं वाले, अब तो पक्का ही हमारी शादी करा देंगे। नहीं यार, मेरे साथ तो ऐसा 2-3 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हैं? वो क्यों? क्योंकि मैंने पापा को पास करवा के उन्हें बहुत खुश कर दिया है, और जितनी बार वो मुझ पे दबाव डालेंगे ना शादी का, तो मैं याद दिला दूंगी कि शायद आप भूल रहे कि मैंने आपको पास करवाया था, और वो चुप हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा लू, सुन, हमने 12वीं में कितने साल टिकना है? वो देखते हैं कि कितने साल टिकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 12वीं क्लास के दौरान ही जीजा जी से मेरी शादी हो जाएगी। फिर ठीक है। इलू, न्यू बिगिनिंग्स वाली सेल्फी। इलायची जी, आप
आपने इस बार पूछा ही नहीं कि जीजा जी 76 हैं कि नहीं? इलायची जी, हमने उस दिन आपसे बड़ी बदतमीजी से बात की, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्या आप हमें माफ कर पाएंगे? ठीक है, मतलब अब आप इतनी मेहनतें कर रहे हैं तो ओके फाइन। थैंक यू इलायची जी। अपने पीछे क्या छुपा रहे हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा, मेरी ना बास की नजरें हैं और मुझे पता है आपके पीछे क्या है। बना दीजिए चूड़ियां। हाँ जी, आप बनाएंगे या मैं खुद पहन लूं? नहीं नहीं इलायची जी, हम पहनाएंगे, हम पहनाएंगे ना आपको। Thank you.